दोस्तों मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, सर बताइए कि हम लोग जो है गूगल पे, फोन पे या भारत पे का जो है क्यूआर कोड कैसे बनाएंगे, क्यूआर कोड कैसे लगाएं अपने दुकान पे, शॉप पे या फिर आप कहीं पे भी अपना जो है अब पर्सनल कोई भी पैसा लेना है या लेन देन करना है तो उसमें आप क्यूआर कोड, स्टैंड वाला क्यूआर कोड जैसे प्लास्टिक का क्यूआर कोड होता है उसको हम लोग कैसे ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन कैसे मंगवाएंगे। दोस्तों बहुत से लोगों क्या है, बहुत से छोटे छोटे दुकानें हैं जिसमें जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और जो रिटेलर हो वो बना नहीं पाता, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बना नहीं पाता प्लास्टिक का, तो हमको वहाँ से ऑर्डर करना पड़ता है। तो कैसे बनाना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको प्लास्टिक का जो है भारत पे का क्यूआर कोड लेना है या फिर फोन पे का क्यूआर कोड लेना है या पेटीएम का क्यूआर कोड लेना है या फिर आपको जो है गूगल पे का क्यूआर कोड लेना है, प्लास्टिक का स्टैंड जो आता है उसको आपको क्यूआर कोड लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको भारत पे का लेना है तो भारत पे का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपको फोन पे का स्टैंड लेना है तो आपको फोन पे का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आपको गूगल पे का लेना है तो गूगल पे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, अगर आपको कोई अदर जो है क्यूआर कोड लेना है प्लास्टिक का, जैसे कि अभी बहुत से आ गए, अमेजन पे आ गया है और यहाँ जो है डाक वाला भी आ गया है, जैसे कि इंडिया पेमेंट बैंक आ गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसका भी क्यूआर कोड आ गया है, तो बहुत से क्यूआर कोड्स आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी लेना है तो आप उसके लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं भारत पे का बताने वाला हूँ, सबका सेम प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई भी समझ में कुछ भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने इस एप्लीकेशन को जो है बंद कर देता हूँ, ओके क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, ये एप्लीकेशन मैंने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे जाएंगे फिर से हम अपने एप्लीकेशन में भारत पे में। मैं अपना भारत पे, गूगल पे और जो है फ़ोन पे तीनों चीज़ें यूज़ करता हूँ, अपने दुकान पे, शॉप पे जो है यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है हमको ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो है फ़ोन पे का डैशबोर्ड है। ओके, हमको जो है ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करना मतलब यहाँ पे इस लिखा हुआ है क्यूआर कोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो माय क्यूआर कोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, इस पर हम क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से नया ड्राइव ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपका क्यूआर कोड आ गया है, यहाँ पे जो है पर्सनल अगर आपको रखना है कोई भी अच्छा से, यहाँ पे जो है बना के थीम वगैरह रख लेना है। अगर आपको जो है ऑर्डर करना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ क्यूआर कोड ऑर्डर। ओके, यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। जितना आप जैसे कि ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है ऑर्डर करते टाइम आपको तीन पीस दिया जाएगा, मतलब तीन आपको क्यूआर कोड दिए जाएंगे, वो आपको स्टैंड नहीं दिया जाता है। स्टैंड आपको जो है जब डिस्ट्रीब्यूटर आता है या रिटेलर आता है या कोई सेल्समैन आता है जो है एरिया का सेल्समैन आता है तो वही जो है क्यूआर कोड को आपके जो है शॉप पे यहाँ पे लगाता है। वैसे जो आप जो है इसकी जो है जो क्यूआर कोड है इसको आप स्टिकर वगैरह जो रहता है आप दुकान पे अपना लगा सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं, उसको आपको जो है क्यूआर कोड से आप लेन देन कर सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर करूँगा। ओके, तो बस अच्छे से जय हिंद, महात्मा जय।